नमस्कार मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 1.4 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, इवेल्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये दिए हुए हैं अलग अलग, हमने फर्स्ट पार्ट लिया है इसका, फर्स्ट का आपको इसको सॉल्व करना है ना। तो क्या दिया है देखो, इसको हम लिख सकते हैं -30 और यहाँ दिया है ÷10, और इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, -30/10। डिवाइड का मतलब ये ऐसा हो जाएगा, यानी अब 10 से इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो 10 3 जा, तो आपका आंसर आया 3। इसको डिवाइड किया तो 3, और माइनस है तो माइनस ऐसा ही लग जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो गया, -3। ठीक है बच्चों, तो 10 3 जा 30 होता है और नेगेटिव साइन है, इसलिए नेगेटिव आपका आंसर नेगेटिव आएगा। देखिए बच्चों, सेकंड दिया है 50/-5, यानी 50 में -5 से डिवाइड करना, तो डिवाइड को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 50/-5। और यहाँ एक चीज़ आप ध्यान रखना बच्चों, जब भी कोई नंबर जैसे a/b दिया है और ये b नेगेटिव है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा लिख देंगे -a/b, यानी नेगेटिव साइन ऊपर चला जाता है। अब ये कैसे जाता है देखिए, a/-b है तो क्या कर देंगे, ये नेगेटिव साइन ऊपर चला जाएगा, ये इसका नीचे को ऊपर कर देंगे। अब ये जाता कैसे ये भी समझा देता हूँ। जैसे कोई संख्या है a/-b, तो इसमें -1/-1 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो नीचे दोनों माइनस हो गए, तो -b/-1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +b आ गया, और a/-1 में करेंगे तो -a आ गया, यानी a/-b को हमने क्या लिख दिया, -a/b। तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, कोई भी नेगेटिव साइन नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा -50/5 हो जाएगा, नेगेटिव ऊपर चला गया। अब 5 से इसको 50 में डिवाइड कर दो तो कितनी बार गया, 10 टाइम्स, और नेगेटिव है तो माइनस लग जाएगा, और आपका आंसर आ गया -10। मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है -36/-9। इसको मैं दो तरीके से हल करना बता रहा हूँ। एक तरीका तो क्या है, -36, और ये डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में बदलते हैं बच्चों, ये फर्स्ट वे बता रहा हूँ, है ना, तो मल्टीप्लाई को तो ये हो जाएगा 1/-9, ठीक है, ये 1/2 में चला जाएगा डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल रहा है। अब यहाँ से देखिए, कोई भी नंबर्स जो रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, माइनस कहाँ चला जाता है, ऊपर, तो -36/-1/9, और इसका मतलब हो गया -36/-1, ये /9, और ये दोनों नेगेटिव नंबर हैं, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +36/9, और 9 से 36 को डिवाइड किया तो आंसर आ गया आपका 4। और एक डायरेक्ट मेथड है इसका जो आर, या तो आप ये हल कर लेना, नहीं तो दूसरा सिंपल आगे जाके बड़ी क्लास में आप ऐसे डायरेक्ट हल करेंगे, कैसे, 36 और ये डिवाइड को हम क्या लिख देंगे, -9, है ना, और ये माइनस से माइनस डायरेक्ट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 36/9, और 9 से डिवाइड कर दिया तो आपका 4 आंसर। तो आप ये वाली मेथड भी आपको मालूम होना चाहिए, और ये डायरेक्ट मेथड आगे जाके हम इसी को हल यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों क्या दिया, -49/49, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -49, और इस डिवाइड को काई में चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, तो ये 1/49, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ये 49 और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -49/1/49, और यहाँ पे इस 49 से 49 डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए, -49, 1 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 49, और 49 को 49 से डिवाइड किया तो
वन, और इसका डायरेक्ट मेथड भी आगे जाके हम करेंगे। इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 49 डिवाइडेड बाय 49। आप चाहे तो ये करो या ये, मैं दोनों मेथड बता रहा हूँ आपको। और यहाँ 49 से 49 कैंसिल हो गया, माइनस वन है ना। ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके करने की प्रोसेस है, और ये डिवाइड को डायरेक्ट रेशियो में बदल के हम सॉल्व भी कर सकते हैं। बड़ी क्लास में हम इसी पैटर्न पर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1। तो यहाँ पर बोर्ड मास का रूल्स क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट को हल करो। तो यहाँ से हम इसे लिखेंगे 13 डिवाइडेड बाय, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 प्लस 1 हुआ। तो ये दो खराब है और एक अच्छा, तो एक खराब से एक अच्छा कैंसिल हो जाएगा, तो जो ज़्यादा है वो बच जाएगा, यानी माइनस 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 13 डिवाइडेड बाय माइनस 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से अगर इसको मैं मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 बाय माइनस 1, और ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई माइनस 1 बाय 1, तो ये हो जाएगा माइनस 13 अपॉन 1, यानी माइनस के 13। आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 13। या फिर दूसरा मेथड भी बता देता हूँ, इसको लिखो 13 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13 बाय माइनस 1, और ये माइनस 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या चला जाता है, ऊपर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट है 0 डिवाइडेड बाय माइनस 12। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो 1 बाय माइनस 12 हो गया, और 0 का किसी भी नंबर में डिवाइड करो, आंसर आपका 0 आ जाता है। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, 0 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपका 0 आएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन दिया है माइनस 31 डिवाइडेड बाय माइनस 30 प्लस माइनस 1। तो जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 31 डिवाइडेड बाय, और ये माइनस का है और प्लस माइनस ये भी माइनस हो गया। तो अगली स्टेप में आ जाएगा बच्चों ये माइनस 31 डिवाइडेड बाय, और ये दोनों नेगेटिव है तो ये भी ख़राब है और ये भी ख़राब है। 30 संतरे ख़राब है और एक संतरा और ख़राब मिला दिया तो 31 संतरे ख़राब हो गए, ठीक, यानी नेगेटिव ही रहेगा। अब यहाँ से डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं हम, इसको क्या लिख दिया, माइनस 31 डिवाइडेड बाय माइनस 31, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, और आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस 1 आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना। तो और दूसरा तरीका भी है इसका, जैसा मैंने बताया कि इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल के भी कर सकते हो, और ये डायरेक्ट भी कर सकते हो आप इस सवाल को। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस 36 डिवाइडेड बाय 12 फिर डिवाइडेड बाय 3। तो बोर्ड मास के रूल से पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर है माइनस 36, और डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ तो 1 बाय 12 हो जाएगा ये, और इसको भी अगर मल्टीप्लाई में चेंज कर दूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 बाय 3, ठीक है। अब इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, देखिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इस 36 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 36 बाय 12, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, 1 बाय 3। तो 12 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 12 थ्री जा डिवाइड कर गए, इन्हें भाग दे देना आप, तो यहाँ ब्रैकेट में बचा माइनस 3 बाय 1 और मल्टीप्लाई 1 बाय 3, और इसको भी सॉल्व किया तो यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी माइनस 3 इंटू 1 और 1 इंटू 3, तो माइनस 3 बाय 3, यानी 3 से 3 को डिवाइड किया तो आंसर आ गया आपका माइनस 1। तो
आपका आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो आएगा -1। देखिए बच्चों, इसका लास्ट वाला क्वेश्चन आई वाला ले रहे हैं। यहाँ पर -6 + 5 डिवाइडेड बाय -2 + 1 दिया, तो बोर्ड मास का रूल्स क्या कहता है, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, है ना, बोर्ड मास के रूल से। तो यहाँ से हो जाएगा -6 और ये +5, इसका ब्रैकेट हल किया हमने, डिवाइडेड बाय ये हो गया -2 + 1। अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये -5 से +5 हट जाएंगे इसके, तो जो ज़्यादा है वो बचेगा, यानी -1 बच जाएगा। अब यहाँ से माइनस के 2 है और प्लस का 1, तो 1 से 1 कैंसिल होगा इसका, तो क्या बचेगा इसमें, -1 बचेगा। तो आपका जो आंसर आ रहा है इधर -1 / -1, है ना, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, चाहे तो आप क्या लिख सकते थे, -1 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 1 / -1, और इसको सॉल्व किया तो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये -1 तो ये ऐसा ही रहा बच्चों, और ये हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ऊपर चला जाता है, तो -1/1 हो गया, तो -1 × -1 हो गया बच्चों, ये नीचे 1, तो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 1 और 1 का तो 1/1, यानी आंसर 1 आ गया। तो आप ऐसे भी हल कर सकते हो और डायरेक्ट भी हल कर सकते हो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आंसर 1 आ जाएगा यहाँ पर भी, तो दोनों ही केस में आपका आंसर करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है बच्चों। ओके, थैंक यू।